अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे किचन में आज बन रहा है फ्रूट डिज़र्ट, तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूं। बहुत मज़े का ये डिज़र्ट बनता है और जल्दी से बन जाता है, और चीज़ें सारी वही हैं जो आम सबके किचन में मौजूद होती हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं फ्रूट डिज़र्ट। फ्रूट डिज़र्ट बनाने के लिए हमने सबसे पहले फ्रूट्स की ही कटिंग करनी है। आपके घर में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हों, जो भी मौजूद हों, आप वो फ्रूट्स ले सकते हैं इस डिज़र्ट के लिए। तो मेरे घर में भी जो जो फ्रूट हैं वो मैं लूँगी, और एक जो है मैंने ये फ्रूट वाला टिन लिया है, तो ये भी मैं उस डिज़र्ट में शामिल करूंगी। तो चलें पहले जो फ्रूट जिनकी मैंने कटिंग वगैरह करनी है वो मैं कर लेती हूँ, फिर इसमें जो अगला स्टेप आता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रूट भी हमने बाउल में डाल लिए हैं, और ये ऑयल मैंने लिया है थोड़ा सा, और ब्रश की मदद से इस मोल्ड को लगाऊंगी। आप किसी भी बर्तन में इस डिज़र्ट को असेंबल कर सकते हैं, बना सकते हैं। चार मैंने ऑरेंज लिए हैं, तो इनका जो है आप जूस निकाल लेते हैं। ऑरेंज जूस तो हमने निकाल लिया है। ऑरेंज जूस मैंने पतीली में डाला है। अब ये मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करूंगी, चीनी भी मैं शामिल करूंगी। आप भी जो है अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। सारी चीज़ें मिक्स मैंने कर ली हैं, अब फ्लेम को ऑन मैंने कर लिया है। थिक होने तक इसे पकाएंगे हम, हल्की ही आंच मैंने रखी हुई है। जैसे ही ये थिक होता है फिर फ्रूट वाले मोल्ड में इसे हम शामिल कर लेंगे, और 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद ये डिज़र्ट सेट होगा। फिर जैसे ही ये डिज़र्ट तैयार होता है आपके साथ फाइनल लुक भी शेयर करेंगे। चलें जी, ये थिक हो गया है, ये तैयार हो चुका है डिज़र्ट के लिए। आप देख सकते हैं कि ये कैसे थिक हुआ है, ऐसे ही हमें चाहिए। डिजर्ट हमारा ठंडा हो चुका है, अब डिश आउट करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।